हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लास। सो कॉन्सेप्ट में अभी हम क्या सीख रहे हैं? ऑल अबाउट कॉन्टिनेंट्स। सो हमने फर्स्ट कौन सा सीखा था? एशिया कॉन्टिनेंट। एंड वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? हमारा कॉन्टिनेंट है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर सेकंड कॉन्टिनेंट, दैट इज यूरोप। सो व्हाट इज द साइड ऑफ यूरोप? दिस वन इज यूरोप। एंड इसमें से यूरोप कॉन्टिनेंट कौन सा है? दिस वन। So, हम इसे यहाँ पे स्टिक करेंगे। नाउ अभी आपको पता है जो यूरोप है वो वर्ल्ड का सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय साइज। अगर आप साइज के हिसाब से देखोगे तो ये तो इतना सा ही कॉन्टिनेंट है, बट अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड वहां पे फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, डिफरेंट डिफरेंट 50 कंट्रीज है जो वहां के पीपल्स एंड वहां के कल्चर्स एंड रिलीजियंस को फॉलो करते हैं। उसमें से सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी पता है आपको? दैट इज रशिया एंड जर्मनी। अभी हमने एशियन कॉन्टिनेंट सीखा था, उसमें भी हमने क्या सीखा था कि लार्जेस्ट कंट्री जो थी वो थी रशिया। एंड यूरोप में भी लार्जेस्ट कंट्री रशिया है, बिकॉज रशिया का 78% पार्ट कहाँ पे है? यूरोप में। एंड ओनली 22% पार्ट ही एशियन कॉन्टिनेंट में है। इसलिए एक ऐसी कंट्री रशिया जो दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, इसलिए दोनों ही कॉन्टिनेंट में वो लार्जेस्ट कंट्री है। एंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो मॉस्को है, वो कहाँ पे है? रशिया में। एंड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है बताए आपको? That is Vatican City country। And वहां पे only countries ही नहीं है, वहां पे islands भी है, land masses भी है बहुत सारे। So वहां की सबसे बड़ा island कौन सा पता है? That is Greenland island। And वहां पे 50 countries है। So वहां पे people भी कैसे होते होंगे? Different different। And वहां पे सबसे ज्यादा culture and religion को कौन सी पॉपुलेशन फॉलो करती है पता है? क्रिश्चियन। वहां पे 76% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है। एंड वहां पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है? इंग्लिश, पोलिश, इटालियन, जर्मन जैसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती है, और सबसे ज्यादा रशियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। सो अभी हम उसके एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। सो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो कोल्ड प्लेस होता है। सो वहाँ पे ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो ठंडी की सीजन में माइग्रेट कर जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं। एंड वहाँ पे मोस्टली डियर, बेयर्स, स्क्विरल्स, रैबिट्स ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स ही देखने को मिलते हैं। एंड वहाँ का जो फेमस एनिमल है वो कौन सा है पता है आपको? दैट इज पाइन मार्जिन मार्टिन, जो स्क्विरल के जैसा ही फास्ट रनर है। एंड वो कहीं भी ट्री पे भी चढ़ जाता है। एंड वो बहुत ही क्यूटेस्ट एनिमल है। एंड उसका जो बर्ड है फेमस वो है अल्पाइन लॉन्ग ईयर्ड बर्ड। जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट होता है वहां पे लोग मोस्टली खाने में क्या यूज करते हैं पता है? मीट एंड सी फूड, पोटेटो एंड चीज, वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड वहां की दो फेवरेट डिशेस कौन कौन सी है पता है? जो यूरोप कॉन्टिनेंट की टेस्टी डिशेस है वो है आर्किनी, जो फ्राइड राइस बॉल्स होते हैं। एंड इटली में वो सबसे ज्यादा मिलती है। देन इटली का और क्या फेमस है? पास्ता। एंड आप सबका फेवरेट कौन सा है? वो पिज्जा। यस। देन दूसरी जो डिश है वो है पायरोगी। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पता है? चीज, पोटेटो, मीट एंड फ्रूट्स। सो अभी हम देखेंगे कुछ फेमस प्लेसेस ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। सो फर्स्ट प्लेस कौन सी है? बिग बेन, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। देन लुक एट दिस सेकंड पिक्चर, कितनी ब्यूटीफुल है ये। तो यह है कॉलोसियम जो इटली में है। देन लुक एट दिस थर्ड पिक्चर जो है नाइस स्वाइनस्टाइन कैसल इन जर्मनी। आपको पता है ये फेरी टेल है, जो फेरी टेल्स होती है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है ये। देन दिस वन इज एफिल टावर,
जो कहाँ पे है, फ्रांस में, और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्ग टावर है। ओके सो बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।